भारत में मारुति की वैगनार कार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, खासकर मध्यम वर्ग में इसे खासा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि कंपनी इसके नए मॉडल लॉन्च करती रहती है। अब कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसे 2023 सुजुकी वैगनार फेसलिफ्ट कहा जा रहा है और इसे जापान में पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए मॉडल के डिजाइन को अपडेट किया गया है जिससे नई वैगनार का लुक अब स्पोर्टी लग रहा है। साथ ही कई हाईटेक फीचर्स भी जोड़े गए हैं। भारत में मौजूद वैगनार से जापान में पेश की गई मॉडल बिल्कुल अलग है। भारत में वैगनार का मौजूदा मॉडल लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। लगातार पिछले महीने भी ये सबसे ज्यादा बिकने वाली लिस्ट में टॉप पर रहा है। वैगनार की जुलाई 2022 में 22,588 कारें बिकी हैं। वहीं अगर हम नए मॉडल की बात करें तो 2023 सुजुकी वैगनार को तीन अलग अलग मॉडल वैगनार, वैगनार कस्टम जेड और स्टिंगरे में लॉन्च किया गया है। स्टिंगरे में बिल्कुल नया एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है जो इसे अधिक फ्यूचरिस्टिक स्टांस देता है। साथ ही टेल लैंप्स को भी स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में काफी नीचे रखा गया है जो इसे एमपीवी डिजाइन देता है। खबरों की माने तो मारुति सुजुकी वैगनार अगले साल के आखिर में भारत में लॉन्च की जा सकती है और भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में कुछ बदलाव होने की भी बात कही जा रही है। बता दें कि भारत में वैगनार को पसंद किए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कार सबसे लो मेंटेनेंस कार है। हर गली चौराहे पर इसके मैकेनिक मिल जाते हैं। ऐसे में छोटी मोटी दिक्कतों के लिए लोगों को सर्विस सेंटर नहीं भागना पड़ता। साथ ही एक और अच्छी बात ये भी है कि इस कार की रीसेल वैल्यू ठीक ठाक है। इस कार को आसानी से कम 10 साल तक चलाया जा सकता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा बिकने वाली सस्ती फैमिली कार भी कहा जाता है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।